ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स हैं की गई थी, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर लगभग हमने 10 से 15 रिपोर्ट्स की और आपको बताया कि कौन कौन से जुर्माने नए लगाए गए हैं और इंश्योरेंस को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। लेकिन एक और बड़ा बदलाव था जिसको लेकर आज ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बदलाव था मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 डील करता है जो ट्रक, बस, टैक्सी या किसी भी तरीके का परमिट दिया जाता है जो वाहनों को, उसको लेकर ये चैप्टर है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो इतने बड़े बदलाव हैं जिसका असर पूरे देश के बस ट्रांसपोर्ट और ट्रक ट्रांसपोर्ट पड़ेगा, खास तौर पर बस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, चाहे फिर वो बसें स्टेज कैरेज वाली हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाली। तो अगर आप बस ऑपरेटर हैं, टैक्सी ऑपरेटर हैं, तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर देखें, और अगर आप ट्रक ट्रांसपोर्टर भी हैं तो भी ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी और अहम है। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे 3 बड़े बदलावों की। पहला जो बदलाव है वो सेक्शन 66 में किया गया है, एक नया क्लॉज 66A इंसर्ट कर दिया गया है एक्ट के अंदर, और मोटे तौर पर ये सेक्शन ये कहता है कि केंद्र सरकार एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाएगी। आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और ज़्यादातर जो वाहनों को परमिट दिए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, अपनी शर्तों पे देती हैं, अपने हिसाब से देती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट स्टेट की होती है। लेकिन अब ये जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगी कि जो परमिट राज्य सरकारें देती हैं वो कौन सी शर्तों के तहत दे सकती हैं, यानी कि एक ब्रॉड गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क तय कर देगी केंद्र सरकार। उसके अंदर रहते हुए ही स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो वाहनों को परमिट जारी करेंगी, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो। आप देख सकते हैं सेक्शन 66A में लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डेवलप अ नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी विद अ व्यू टू, इसके बाद सीधा देखिए क्लॉज 3, एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ ग्रांट ऑफ परमिट्स एंड स्कीम्स। ये एक बिल्कुल नई बात है जो पुराने एक्ट के अंदर बिल्कुल नहीं थी। इसका जो प्रभाव है वो बहुत दूरगामी होगा, आप पूरी तरह से तब पता चलेगा जब ये नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी आ जाएगी। जिन जानकारों से हमने बात की उनका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्द ये पॉलिसी देश में आने वाली है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है चैप्टर 5 में वो है सेक्शन 67 के अंदर। इसके अंदर एक नया क्लॉज नंबर 3 वो डाल दिया गया है। उसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक नई तरह की पावर दी गई है जो पहले नहीं थी। इसके अंदर क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मॉडिफाई एनी परमिट इशूड अंडर दिस एक्ट और मेक स्कीम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स एंड इशू लाइसेंसेस अंडर सच स्कीम। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर थी कि वो स्कीम बना सकती है परमिट्स देने के लिए, लेकिन वो पावर थी चैप्टर 6 के अंदर। उसमें एक शर्त थी कि आप तभी स्कीम बना सकते हैं जब सरकारी बसें जो चल रही हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, आप इस तरह की स्कीम बनाएंगे कि हाँ ठीक है, प्राइवेट लोग अपनी बसें चला सकते हैं लेकिन सरकारी जो बसें हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप स्कीम फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर सरकारी बसें चल ही नहीं रही हैं तब फिर उस केस में आप स्कीम नहीं बना सकते थे। कहने का मतलब प्राइवेट बसें वहाँ पर स्कीम के तहत नहीं चला सकते थे, सिर्फ लिबरल पॉलिसी या खुली नीति जिसको कहते हैं उसके तहत चला सकते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि चैप्टर 5 के तहत भी आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बना सकती है, वो स्कीम बना के प्राइवेट लोगों को परमिट दे सकती है, चाहे वहाँ पर कोई सरकारी बस चल रही हो चाहे ना चल रही हो। जो लोग इस मुद्दे से अनजान हैं उनको ये सिंपल बात लग सकती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर हैं, खास करके स्टेज कैरेज बसेज चलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चेंज है।
क्योंकि अगर जब स्कीम ना हो उस केस में अगर परमिट देती है स्टेट गवर्नमेंट तो ऑटो रिक्शा की तरह परमिट देती है कि कोई भी आओ और परमिट ले लो, जो कि बसों के लिए बहुत घातक साबित होता है क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और अगर आप रिक्शा की तरह कहीं भी बस चलाने लगेंगे उससे आप उतनी कमाई नहीं कर पाते और ये पूरा घाटे का सौदा बन जाता है। लेकिन जब एक स्कीम बनती है तो उसके अंदर उतने ही परमिट दिए जाते हैं जितनी की लोगों को ज़रूरत होती है। तो अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के तहत है मोटा मोटा कि चैप्टर 5 के अंदर स्कीम बनाइए और प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनको आप परमिट दे सकते हैं। यही वजह थी अब तक कि हमारे बड़े बड़े जो राज्य हैं, काफ़ी विकसित राज्य हैं, जैसे गुजरात की भी अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर रूरल ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है, हरियाणा में भी बहुत बुरा हाल है, रूरल सर्विस नहीं है। उसकी वजह यही थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास स्कीम बनाने की पावर ही नहीं थी चैप्टर 5 के तहत। इसके बाद एक बहुत बड़ी चेंज की हम बात करने वाले हैं, वो है सेक्शन 88 में। यहाँ पर भी एक नया सेक्शन 88A को इंसर्ट किया गया है। ये जो अमेंडमेंट हुई है इसका भी बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो आने वाले सालों में ट्रांसपोर्ट उद्योग के ऊपर पड़ेगा। पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट उद्योग ही इससे बदल जाएगा, खास तौर पर जो हमारा बस ट्रांसपोर्ट उद्योग है। ऐसा क्या है सेक्शन के अंदर हम आपको बताते हैं। इसमें है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मॉडिफाई एनी परमिट इशूड अंडर दिस एक्ट और मेक स्कीम्स फॉर नेशनल मल्टीमोडल एंड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। जो आम लोग हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस एपिसोड को, जिनका बस ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जितनी भी अंतर्राज्यीय जो हमारी बस सेवा चलती है, मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली है, गुजरात से राजस्थान है, तमिलनाडु से कर्नाटका है, जितनी भी ये बसेज होती हैं वो ज़्यादातर सरकारी बसेज ही होती हैं। अगर प्राइवेट बसेज चलती हैं तो वो ज़्यादातर इल्लीगल सर्विस देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटर स्टेट परमिट्स हमारे देश में, परमिट जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं और इंटर स्टेट परमिट ज़्यादातर नहीं देती हैं, वो रिजर्व किए गए हैं सरकारी बसेज के लिए। इसी वजह से बहुत अच्छी सर्विस या बहुत अच्छी बसेज हम नहीं देखते हैं इंटर स्टेट रूट्स के ऊपर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इंटर स्टेट रूट्स के ऊपर बसों को परमिट। जी हाँ, इस अमेंडमेंट का यही मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बना सकती है बकायदा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के लिए बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए स्कीम बना सकती है जिसके अंदर वो ये बता सकती है कि इस फलां फलां रूट के ऊपर हमें इतने इतनी बसों की ज़रूरत है, आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और आपको वहाँ पर परमिट दिया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरे देश का जो बस ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा एक बदलाव उसके अंदर आ सकता है जब एक राज्य से दूसरे राज्यों में लग्जरी या नॉर्मल बसेस चल सकेंगी और उसके जो परमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एक और बहुत अहम बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें यह भी लिखा है कि दो राज्य आपस में एग्रीमेंट करके भी इंटरस्टेट जो बसें वो चला सकते हैं, जैसे कि अब होता है। मान लीजिए पंजाब और हरियाणा ने कर लिया या दिल्ली और यूपी ने कर लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिया और बसें एक दूसरे राज्य में ले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कल को सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी लेके आती है इंटरस्टेट परमिट्स को लेकर और राज्य भी अपनी अपनी लेकर आते हैं, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, स्कीम होगी, वही मान्य होगी अगर दोनों के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट है तो। इसके अलावा मल्टी मॉडल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो इस्तेमाल है वो खास करके ट्रक ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए होता है। बड़े जो देश हैं वहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल चलता है। जैसे पहले छोटी गाड़ियाँ, जो मीडियम दर्जे की गाड़ियाँ होती हैं, वो माल लेकर एक गोडाउन में पहुँचती हैं और फिर उस बड़े गोडाउन से छोटी छोटी गाड़ियों से अलग अलग शहरों के लिए माल जाता है। तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर दो तीन तरह की ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है। तो उसको लेकर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्कीम्स बना सकती है, प्लान्स बना सकती है और लोगों को, प्राइवेट लोगों को उसके लिए इन्वाइट कर सकती है इस ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए। अंत में बताते हैं आपको सबसे बड़ी और सबसे अहम बात इन अमेंडमेंट्स को लेकर। हमारी कई बड़े जो ट्रांसपोर्ट उद्योग के ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई, जो कैमरा के ऊपर नहीं आना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा इन अमेंडमेंट्स को लेकर किया। उनका कहना था कि अगर आप ध्यान से देखें इन अमेंडमेंट्स में तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है जो इशारा कर रहे हैं किसी बड़ी डेवलपमेंट की ओर। जैसे अगर हम देखें सेक्शन 66A का पॉइंट नंबर 8, उसमें लिखा है इनहेंस प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसके अलावा एक वर्ड का यूज़ हुआ है लाइसेंस, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाइसेंस दे सकती है। नॉर्मली तो आप देखिए कि परमिट्स वर्ड होता है,
बसों को परमिट दिए जाते हैं या ट्रकों को परमिट दिए जाते हैं, परमिट का भी इस्तेमाल हुआ है, साथ में लाइसेंस शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो शब्द है लाइसेंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बहुत जल्द जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी आएगी उसके तहत जो ओला उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनीज हैं वो सिर्फ जो टैक्सी उद्योग तक सीमित हैं, वो अब बस और ट्रक उद्योग में भी आ सकती हैं। कहने का मतलब कि आने वाले दिनों में इस तरह की कंपनियां आ सकती हैं जो ट्रक आप खरीदेंगे और उस कंपनी के साथ अटैच कर देंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपका ट्रक आज कहाँ जा रहा है, वो आपको ऐप बताएगी, कंपनी बताएगी, आपको सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक सिस्टम चलाने का शायद जो है प्लान वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसी वजह से ये वर्ड यूज़ किए गए हैं लाइसेंस, क्योंकि उन कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा, परमिट नहीं दिया जाएगा। तो ये जो शंका जताई गई है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कुछ बड़े माहिरों द्वारा हमें बताया गया है ट्रांसपोर्ट टीवी को, लेकिन ये जब पॉलिसी आ जाएगी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो काफ़ी पेचीदा मामला था, हमने कोशिश की आसान भाषा में आपको समझाने की, आपको इसका ज़रूर ये समझ में आया होगा इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होगा आपके कारोबार पे। आप इसके ऊपर सोचिएगा और अपनी राय भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।